सो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो सारे? मेरे हिसाब से सब बढ़िया हो गया और बढ़िया रहोगे। सो गाइस हम बहुत दिन बाद लौट रहे हैं, तो यार स्वागत करो हमारा। एंड मेरे प्रो एंड नो ब्रो बंदो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सो गाइस ये रहा हमारा बैकग्राउंड, इसको हम करेंगे स्नैपसीड में सेंड। एंड यहाँ पे आने के बाद टूल्स में जाएंगे एंड यहाँ से लेंस ब्लर पे जाके इस बैकग्राउंड को कर लेंगे हम ब्लर, फुल्ली ब्लर। इसको छोटा करके कोने में कर देंगे एंड इसको ब्लर ये हो गया डन। एंड इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्रॉप, ये मेरा पहले से सेलेक्टेड है साइज, एंड अपने हिसाब से साइज रख लीजिएगा। एंड इसको यहाँ से कर देंगे डन। एंड यहाँ से इसको करेंगे हम शेयर ऑटो डिक्स में। एंड गाइस यहाँ पे आ गया हमारा बैकग्राउंड एंड इसमें हम अपना मॉडल को करेंगे ऐड। ये रहा हमारा मॉडल और इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। गाइस इरेजर टूल पे जाके एंड कुछ कुछ हमारा पार्ट्स का बचा हुआ था उसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से इरेज। एंड गाइस इसमें हम अपने सांपों को, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, यानी हमारा पीएनजी, ये सांप का पहला पीएनजी, इसको हम करेंगे यहाँ पे ऐड। इसको डन एंड इसको करेंगे मॉडल के नीचे, ये हो गया। एंड गाइस नहीं ठीक है, इसमें हम दूसरे सांप को हम करेंगे ऐड। जैसे जैसे गाइस ऐड करते जाएगा वैसे वैसे आपका फ़ोटो बेटर होते जाएगा। एंड गाइस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मतलब फ़ोटो को इतना भी मतलब मत कर देना कि अच्छा ना लगे, देखने में अच्छा लगे उस टाइप से, मतलब सांपों को एडजस्ट करना ताकि अपने शरीर पर फिट बैठा सको। डिस्कॉपिसिटी कम करके हम कर लेंगे यहाँ से इरेज अच्छे तरीके से। ये हो गया एंड इसमें ठीक है, डिस्कॉपिसिटी बढ़ा के हम इसमें अब दूसरा सांप को हम करेंगे ऐड, जो कि ये वाला रहेगा हमारे गर्दन पे लटका हुआ। इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे ऐड यहाँ से डन। एंड यहाँ से सबसे पहला हम इसका ऑपेसिटी कर लेंगे कम। एंड गाइस इसको जूम करके हम स्टार्ट करेंगे इरेज करने का। एंड गाइस अच्छे तरीके से हम कर लेंगे इरेज। ये हो गया एंड गाइस और इसमें ये इसका नीचे का पार्ट चाहिए हमको, जो कि गर्दन में लगे कि हाँ सांप लटकाए हुए हैं मोटा ताजा, तो इसको हम इस सांप के नीचे करेंगे एंड इसको हम करेंगे इरेज। ये हो गया एंड गाइस इसमें फिर हम करेंगे एक और ऐड सांप का, जो हमारे फेस के लिए होगा। तो गाइस ये रहेगा हमारा सांप जो हमारे फेस पे लगेगा, मतलब कटिंग दिखना चाहिए कि सांप में थोड़ा सा रोल हम भी हैं। तो इसको हम ऑपेसिटी कर लेंगे कम। एंड गाइस इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे ट्रांसफ़र, ये हो गया एंड इसको ओके। एंड यहाँ से ऑपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा के हम यहाँ से इरेजर टूल को चेंज करेंगे, सेकंड इरेजर टूल में जाएंगे एंड इसका ऑपेसिटी बढ़ा के इसको हम इरेज करना स्टार्ट करेंगे। एंड अच्छे तरीके से इसको भी हम इरेज कर लेंगे, जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी अच्छी लगेगी वहाँ वहाँ। ये हो गया इसको हम ओवरले कर देंगे
ताकि हमारी फ़ोटो और अच्छी दिख सके। गाइस देखिए इसमें ये इलास्टिक एकदम फील आ रहा है फोटो में, देखिए। इन गाइस प्लस का एक कोन लेंगे, इसमें लेयर लेके इसमें हम करेंगे जीव, और आइज़ के लिए ग्रीन कलर ले लेंगे हम। तो पहले हम अपने आइज़ में हम इस ग्रीन कलर को उगा लेंगे हल्का हल्का, अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके आँखों में कितना अच्छा लगता है, कौन सा कलर अच्छा लगता है, अपने हिसाब से आप अपने आँख में उगा लीजिएगा। एंड गाइस इसका ऑपेसिटी थोड़ा हम कम कर लेंगे, एंड ये ठीक है। एंड गाइस इसको हम एक और नया लेयर लेके इसमें हम जीव का निर्माण करेंगे, इतना नहीं ये नहीं दूसरा ये सही है गाइस। थोड़ा सा हमको करना है इरेज, इसका साइज़ को हम कर लेंगे छोटा, एंड इसको जूम करके थोड़ा नुकीला बना लेंगे ताकि लगे कि सांप का डंक है। ये हो गया, एंड ये सेकेंड वाला ये भी हो गया, थोड़ा पैक करिए पैक करना पड़ेगा, ये हो गया। एंड गाइस ये लेयर रहेगा हमारे सांपों के नीचे एक मॉडल के ऊपर, यानी कि हम शैडो बनाएंगे अपने सांपों का। तो हम ये वाला ब्रश ले लेंगे एंड कलर कर लेंगे हम ब्लैक, एंड गाइस यहाँ से हम अपना शैडो बनाना स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस अच्छे तरीके से आप लोग शैडो को बनाइएगा ताकि आप लोगों का शैडो जब तक के क्लियर नहीं दिखेगा तब तक के फ़ोटो का क्वालिटी अच्छा नहीं दिखेगा। तो शैडो को अच्छे तरीके से आप लोग क्रिएट कीजिएगा। एंड गाइस हम अपने इस जीप का सांप का जीप का भी शैडो बना लेंगे, इसके लिए साइज को हम ब्रश का छोटा कर लेंगे। एंड गाइस इसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से उगाएंगे ताकि क्लियर दिख सके थोड़ा और। ये हो गया गाइस, ये हो गया। एंड यहाँ से हम कर लेंगे इस फोटो को सेव टू गैलरी, एंड गाइस इसको हम सेंड करेंगे स्नैपसीड में जहाँ पे अपना डिटचिंग करेंगे। तो सबसे पहला गाइस हम इसको कर लेंगे यहाँ से एडजस्ट, मतलब ब्लर कर लेंगे साइड वाले पार्ट्स को, ये हो गया। एंड गाइस यहाँ से जाएंगे टूल्स में, एंड गाइस मेरे बाल का हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा है तो हम इसका लाइट्स को कर लेंगे कम, एंड यहाँ से डन। एंड गाइस जाएंगे टूल्स में, एंड थोड़ा नहीं यहाँ से नहीं जाएंगे ट्रेयर्स में, एंड स्ट्रक्चर इसका बढ़ा लेंगे पूरा, ठीक है। इसको क्लियर डन। एंड टूल्स में जाने के बाद करेंगे थोड़ा सा डॉज एंड बर्न का यूज़, तो डॉज एंड बर्न करने से आप लोगों का कलर फ़ोटो का क्वालिटी बहुत अच्छा लगेगा देखने में, तो आप भी यूज़ कीजिएगा डॉज एंड बर्न। एंड गाइस ये हो गया हमारा डन, एंड ये देख सकते हैं आप फोटो कितनी अच्छी लग रही देखने में। एंड गाइस यहाँ से करेंगे फोटो को सेव, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो कमेंट करो, एंड गाइस जरूरी से चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर से जरूर। ओके बाय।